नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। कुछ बड़ी खबरें। सुल्तानपुर के बलदीर राय थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अपराधियों ने किशोरी को जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने आनन फानन में डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बालिका को इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं घटना में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सुल्तानपुर से उजागर हुआ है। बल्दी राय क्षेत्र का है थाना, बल्दी राय क्षेत्र का है और देखा जा रहा है, डॉक्टर देख रही है उसको, क्या है मामला, और मेडिकल किया जा रहा है उसका। स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है, ठीक है। बल्दी राय क्षेत्र के अंतर्गत जो है, एक बीती रात किशोरी अपने घर से शौच के लिए निकली हुई थी। आरोप है कि तीन लड़कों ने उसे जंगल में खींच कर ले गए, जिसमें से एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना पारित की है। परिजनों की तहरीर पर अभी वो पंजीकृत किया गया है। जालौन में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मामला सामने आया है। बता दें कि कोरोना काल में लचर हुई स्वास्थ्य सेवाओं में एक नवजात की जान चली गई। अव्यवस्थाओं के बीच डॉक्टरों की लापरवाही का 8 महीने का मासूम से बच्चे का शिकार हो गया। इसको लेकर परिजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ न मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हैं, इसकी बानगी करती जालौन से आप ये खबर देख सकते हैं, जहां पर 8 माह के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये जान इस वजह से गंवानी पड़ी क्योंकि अव्यवस्थाओं के बीच डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हो गई। डॉक्टर ने ये बोला कि आर्या डॉक्टर हैं जालौन में, उनके पास आया, उन्होंने बोला कि लड़के की ज्यादा सीरियस है तबीयत, उड़ाई ले जाओ। जिला अस्पताल में मिलाया, इन्होंने बोला कि मैं बच्चों का इलाज नहीं करूंगा, उधर ले जाओ महिला वार्ड में। महिला वार्ड आया, महिला वार्ड वालों ने बोला कि 9 महीने का बच्चा है, मैं नहीं रखूंगा इसे, उधर ही ले जाओ जिला, मैं 28 दिन का बच्चा रखता हूँ। आपने ये नहीं कहा कि यहाँ पे रेफर कैसे, आप 2 मिनट देखो। तो मैंने कि तुम आप लिख के दो कि मैं उधर दिखाऊँ जाके कि मैं भर्ती नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये वाला OPD का पर्चा बनाया था जी, फिर ये वाला पर्चा बनाया है। कितने दिन से इसकी तबीयत खराब थी? शाहजहांपुर के तिलहार थाना क्षेत्र में ग्राम रायखेड़ा में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को घर में बंद कर आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलसी पत्नी ने बताया कि उसका पति आए दिन उससे मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता रहता था और शराब के लिए पैसे की मांग करता है, साथ ही कम दहेज लाने का ताना भी देता रहता है। बीते दिन आरोपी पति द्वारा महिला के खिलाफ साथ बुरी तरह मारपीट की गई और शराब के लिए पैसे मांगे गए। पैसे नहीं मिलने पर पति ने पत्नी और बच्चे को घर में बंद कर आग लगा दी, जिसमें बुरी तरह से पत्नी और बच्चा झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे मां बेटे को ग्रामीणों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो खुद ही बता रही दारू वारू पीता मान लो मतलब जो है दहेज को लेके बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया गांव में अलग अलग समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। ट्रैक्टर खड़े करने को लेकर यह झगड़ा हुआ, जिसमें दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दी कि गांव में जगह जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये थाना अहमदगढ़ के खेलिया गांव में गेहूं क्रय केंद्र पर बगल के गांव के कुछ लोग जिले सिंह कालू आज आए थे अपना ट्रैक्टर लेकर के, तो क्रय केंद्र पर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर खेलिया गांव के कुछ लोग थे और जो ये लोग जिले सिंह आदि आए थे, इनके बीच में मारपीट की घटना हुई, जिसमें जिले सिंह पक्ष के 3-4 लोगों को चोटें आई। तत्काल जानकारी मिलते ही कई थानों का फोर्स वहाँ भेजा गया, 3 अभियुक्तों को मुख्य अभियुक्त सहित गिरफ्तार कर लिया गया है।
औरैया जनपद के बेगुना तहसील क्षेत्र में अधिकारियों से पूर्व प्रधान द्वारा सरकारी राशन की बिक्री करने की शिकायत के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे। वहीं छापेमारी के दौरान सरकारी बोरी और सरकारी सिलाई की 50 किलो की भरी हुई बोरी मिली, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान कारोबारियों की जांच करने पहुंचे नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता की गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स जांच में जुट गए हैं। आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां के जो पूर्व प्रधान है उनके द्वारा शिकायत की गई थी, तो शिकायत की जांच करने नायब साहब यहाँ पे आए हुए थे, उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई नायब साहब के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फोर्स भेज दिया, इसमाई आगे सप्लाई इंस्पेक्टर आगे सभी लोग यहाँ पर आ गए, आकर के जांच की गई और वो आदमी भाग गया, तो उसका ताला भी तोड़ करके वीडियोग्राफी के साथ ताला तोड़ करके हम लोग अंदर जाकर उसकी जाँच की है। तो जाँच में पाया जा रहा है कि जो गेहूँ है, गेहूँ जो रखा है 50 किलो की बोरी का है, सिलाई मशीन के साथ उसका सिला हुआ है और सिलाई मशीन भी यहाँ बरामद हुआ है और चावल भी राशन की चावल बरामद हुए हैं, ठीक है। तो कुछ बोरियाँ राशन के जो राशन डीलर जो आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 36 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बदमाशों ने डॉक्टर को घर में बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को बदमाश के पास से 1,25,000 रुपये, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ है। देखिए 24 मई को थाना सिकंदरा के नगर में एक रॉबरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी में एक मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी जिसका नाम विपिन है वो इस घटना में सम्मिलित है और उसे कुछ साथी, इसी के लिए पुलिस द्वारा लगातार घेराबंदी नाकाबंदी की जा रही थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में आज एक बाइक को रोकने की कोशिश की और वो बाइक के द्वारा रोका नहीं गया, उसको वार्निंग दी गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। जब उसको पूछा गया उसका नाम तो उसने अपना नाम उसका विपिन बताया, उसका एक साथी। औरैया के इरवा कटरा क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चल गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसको इरवा कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दो पक्षों के बीच विवाद को लेकर चली गोली में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए 6:30 बजे के आसपास एक सूचना थाने पर आती है कि नगला पहाड़ी में फायरिंग हो गई है और विनोद सिंह के हाथ में गोली लग गई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है वहां पर, इनको वहां पर ला करके इनका फर्स्ट एड कराया था। डॉक्टर द्वारा इनके बताया कि इनके दाहिने हाथ की हथेली में 5 इंजरी है और इनको रेफर किया गया है रेफरी के लिए। ये खतरे से हालांकि बाहर हैं। प्रथम दृष्टया इन्होंने जिन पीड़ित पक्ष ने जिनके नाम बताए हैं वो गुटबाजी दो पक्षों की भाइयों परिवार के बाद सामने आ रहा है। और कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को एक दिन में 3.58 लाख लोगों की कोरोना जांच कर यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3,371 नए रोगी मिले हैं। वहीं 10,540 रोगी ठीक हुए। इस दौरान 196 मरीजों की और लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर 3.5 लाख टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,371 नए रोगी मिले हैं। वहीं बता दें कि 10,000 से अधिक मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। वहीं मौतों का आंकड़ा 196 सामने आया है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर रामपुर में भी काला दिवस मनाया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूकने का प्रयास किया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने किसानों को सरकार का पुतला फूकने से रोक दिया। इसको लेकर पुलिस और भाकियू कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई।
रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शहरी क्षेत्र में कोविड 19 के तहत दस्तक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत खांसी बुखार के मरीजों की तलाश की गई, साथ ही जिन मरीजों में लक्षण देखने को मिले उन्हें मेडिकल किट भी वितरित की गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 16,000 घरों का सर्वे करने का फैसला लिया था, जिसके चलते डीएम सीएमओ सहित सभी अधिकारियों ने चिन्हित लोगों के घर जाकर अपने स्टाफ के कार्यों को भी चेक किया। अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमालपुर यूपीएचसी पर कूड़ेदान में कोविड टीकाकरण की लोडेड सिरिंज मिली है। इसकी संख्या 29 है। स्टाफ का आरोप है कि यूपीएचसी की एएनएम नेहा खान ने लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंका है। वहीं इस पूरे मामले में एएनएम नेहा खान ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। फिलहाल कोविड टीकाकरण की इन लोडेड सिरिंज के कूड़े में मिलने के मामले की जांच सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर एसीएमओ डॉक्टर एम के माथुर व डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को सौंप दी है। तो लोडेड सिरिंज के कूड़े में मिलने के बाद इस अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं जब इसकी जांच की गई तो पूरी जिम्मेदारी एएनएम नेहा खान पर डाल दी गई, जिस पर कहना है कि नेहा द्वारा ये लोडेड सिरिंज जो है वो कूड़ेदान में फेंकी गई है। वहीं एएनएम नेहा खान ने कहा कि उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर ये लोडेड टीकाकरण सिरिंज क्यों फेंकी गई, जहां एक और टीके का इतना अभाव है, वैक्सीन का अभाव सामने आ रहा है, वहीं इतनी मात्रा में लोडेड सिरिंज कूड़े में मिलने के बाद 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें एसीएमओ डॉक्टर एम के माथुर व डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी एएनएम द्वारा रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिला। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो रामपुर में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें युवक का जला हुआ शव खेत में पड़ा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम में भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। हरदोई में सीएससी अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएससी अधीक्षक नौकरी के नाम पर धमकी देते हैं और लोगों से धन उगाही भी करते हैं, और ये भी कहा कि कोरोना काल में सीएससी अधीक्षक ड्यूटी पर दिखाई नहीं देते। लोगों को नौकरी के नाम पर धमकी दी जा रही है। इस पर अब लोगों की मांग है कि सीएससी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर में पीएम आवास योजना में अपात्रों के चयन मामले में शिकायतें आना आम बात हो गई है। इस पर पिछड़े वर्ग को लेकर एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत अटखोना में जिम्मेदार अधिकारियों ने धांधली कर अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत में हरजन वर्ग के लिए आवंटित आवासीय कोटे में पिछड़े वर्ग के 12 लोगों को आवंटन कर दिया गया है, जिसमें से कई लोगों के आवास बन चुके हैं। आवासों में हो रही धांधली को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सलामपुर का निवासी हूं। जो हमारे ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, वो लोग ओबीसी की कैटेगरी के व्यक्ति उनको एससी में करके उनको ऐसे 12 लोगों को आवास दिए गए हैं, और जिनको उन्होंने ओबीसी से एससी में किया है उसका एक भाई आधार में है और दूसरे भाई को ओबीसी से एससी में करके उसको। तो हमारी खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।